गाइज अब प्लान कुछ यूँ है कि अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स लीनिंग टावर ऑफ पीसा, तो अब आपको वो दिखाते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस है, हमने सोचा घूम भी लेंगे और थोड़ा बहुत चल भी लेते हैं, क्योंकि बेहतर यही है कि आप अगर बस से ट्रैवल करोगे तो आपको पे भी करना पड़ेगा। खैर, वी हैव द टिकट्स बट स्टिल वी डिसाइडेड टू वॉक जस्ट टू लुक द प्लेसेस, जो जगह है उनको थोड़ा सा देख भी लें और उनको इंजॉय कर लें, मार्केट्स देख लें यहाँ पीसा की, देन फिर लीनिंग टावर ऑफ पीसा। फ्रॉम देयर वी विल मूव टू एयरपोर्ट और फिर वहाँ से हमारी फ्लाइट है रात की, तो होपफुली अच्छा रहेगा सब। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जहां पे हमें आना था, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, और वो ये रहा। ओह, ये सीधा कैसे हो गया? ये नहीं है ब्रो, दिस इज लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये सीधा है कि टेढ़ा है? ये मेरा कैमरा टेढ़ा है। ओह, ये खुद ही टेढ़ा है, इसकी क्वालिटी ही यही है। खैर, अगर आप लोग पीसा आते हैं, मतलब इटली आते हैं, तो फ्लोरेंस इटली से सिर्फ एक घंटे की बस की दूरी पे आप लोग पीसा आ सकते हैं, और पीसा में आके आप लोग देख सकते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ आर्ट और दुनिया के 7 अजूबों में से एक, विच इज दिस लीनिंग टावर ऑफ पीसा। और रात के बज चुके हैं, क्या वक्त हो रहा है भाई उस वक्त? रात के 2 बजे, रात के 4 बज रहे, 4 सुबह। ये देखो, झूठ लो, झूठे लोग भी पता चल जाते हैं हमें ऐसे। देखो, ये होता है अगर साइकिल पे लंबे टाइम के लिए खड़ी रह जाए ना। साइकिल चेक करो, साइकिल चेक करें आप, देखें जब साइकिल यहाँ पे लंबे टाइम के लिए खड़ी रहती है तो उसके टायर गायब हो जाते हैं और हल्के हल्के सब गायब होता रहता है। फिर भाई मुझे बताएं अभी टाइम क्या हो रहा है? इस वक्त टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं इस वक्त पीसा एयरपोर्ट, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और मेरी आवाज़ पूरी तरह से बैठ चुकी है। तो बैड न्यूज़ इज़ कि आवाज़ बैठ चुकी है और आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि नया बंदा है मेरा, एक डुप्लीकेट भाई आप लोग व्लॉग कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वही है यार, बस आवाज़ बदली है। बोर्डिंग हम करवा चुके हैं और सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस अब हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का। एंड वी आर वेटिंग इन द वेटिंग एरिया, वंस वी आर डन वी आर गोइंग टू जर्मनी एंड देन I'll show you more। आज हम जा रहे हैं पीसा टू बर्लिन जर्मनी, और वो भी बड़े चीप प्राइजेस में। तो इसका भाई सिंपल सा वे, इन रियानेयर की वेबसाइट पर जाएं या उनकी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से अपने टिकट को बुक करवाइए। अच्छा, अब सेकंड चीज़ कि ये इतना चीप क्यों है? ये इतना चीप इसलिए है कि इन्होंने हर चीज़ के प्राइस अलग अलग किए हुए हैं। अगर आपके पास एक स्मॉल बैग है सिर्फ जो आप हैंग कर सकते हैं, तो इट इज़ रियली चीप फॉर यू। और अगर आपके पास कैबिन लाइक आप उसको प्लेस करना चाहते हैं ऊपर जगह पे, तो उसके आपको 4 यूरोज़ पे करने पड़ेंगे, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हैं। और अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल सीट किसी अपने साथ जा रहे हैं किसी के, उसके साथ की सीट देना चाहते हैं, तो उसके भी अलग प्राइस हैं, आपको रिज़र्व करवानी पड़ती सीट। तो हमने ना ही रिज़र्व करवाई, हमने बोला भाई हमें कहीं पर भी बिठा दें, नो इशू। तो और हमारे पास छोटा सा बैग है, तो नो कैबिन रिजर्व और समथिंग लाइक दैट। तो सिर्फ और सिर्फ टिकट प्राइस विच इज़ 11.50 यूरो, विच इज़ लाइक भाई इतना तो ट्रेन का टिकट भी नहीं है पाकिस्तान में, चीपेस्ट देन द ट्रेन टिकट ऑफ पाकिस्तान, ऐसा हो सकता है? फ्लाइट में उड़ो और भाई इतना सस्ता। मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, आवाज़ क्यों ख़राब हुई हुई है कि मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, तब भी आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। अभी यहाँ पे सब समझ रहे हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, और उसके साथ साथ क्योंकि जाहिर सी बात है आप सबके सामने एक व्लॉग बनाओगे तो यही होगा। अच्छा खैर, क्यों बहुत लंबी होती है आप लोगों को मैं क्यों दिखाता हूँ, क्यों आप देखें कितनी लंबी है,
और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा इससे कितनी चीपेस्ट तो है लेकिन उसके साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। तो लेट्स हैव अ लुक। So finally boys, the journey is about Finally guys, हम लोग जा रहे हैं रेयानियर के अंदर, finally way to Germany.